अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है हम सब? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? आज है ईद का कितना दिन? चौथा, मतलब ईद गुजर गई है। हंसी खुशी अल्लाह का शुक्र है। चलें सख्त गर्मी में, और आज माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा मौसम है। क्या टाइम है ये? तकरीबन 5 बजे का टाइम है, और मैं आई छत पर, हालांकि अब छत पर आया नहीं जाता इस मौसम में। रात को भी इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं सोच रही थी, फुल तेज़ थी, तो मैं सोच रही थी मेरे टेक्सचरों का क्या बन रहा होगा छत पे, क्योंकि मैंने ये देखे ना, वो दूर से दिखाती हूँ आपको, वो आखिर में देखे, वहाँ मेरे टेक्सचर पड़े हुए हैं जिनकी मैंने न्यू अभी वीडियो रिकॉर्ड की हैं, तो वाइट टेक्सचर हर चीज़, ये तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या बन जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जाती हूँ, कोई तो काम ख़त्म हो, छत का चक्कर थोड़ा लगाते हैं, थोड़ा क्रम्बलिंग श्रम्बलिंग करते हैं, ईद इंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारी क्रम्बलिंग तो ईद से ही है ना, मतलब हमारी ईद क्रम्बलिंग से है, देख लें हाल। अच्छा, अब मैं व्लॉग में इतनी बेझिझक होकर ग्रम्बलिंग करती हूँ ना, भला क्यों? कि बिल्लियों का डर नहीं है, एक बिल्ली आ गई ना फिर कंजूसी शुरू। सर यहाँ मैं अपनी चूड़ियाँ उतारी थी पहले भी, रात को ये देखिए मेरे हाथ पे लग गई है, और यहाँ टूट भी गई है, तो चलो ऐसे ही बना लेते हैं। वो लोग वैसे ना मुझे ना बहुत अजीब, पता तो ख़ुद को अच्छा नहीं लगता, हवा बहुत तेज़ आ रही है, और हवा में आवाज़ें भी आ रही हैं हवा की। ओहे, असल में जब यहाँ छुट्टियाँ होती हैं ना हमारे जामे में, मैं फ्री हैंड हो जाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है फिर। ओए क्यों सख्त हो, मोबाइल स्टैंड पे लगाती हूँ फिर ज़रा क्रम्बल हो जाएंगे एक हाथ से, तो ये टेक्सचर हार्ड है ना। भाई गली में बच्चों का शोर शराबा देखे, मैं आराम से खाना खा रही थी, तो मैंने मौसम को देखा, मैं चुप करके ऊपर आ गई, किसी को पता ही नहीं है। स्टैंड पे पहले फ़ोन लगाते हैं, फिर इधर ही से ही क्रम्बलिंग करते हैं थोड़ी। सब नहीं हम, मैं अभी इधर आई हूँ तो कोई आदमी चढ़ा हुआ, मैं दूर से गुजर के देख के आई हूँ, घर लोगों ने ऊँचे करवा ली हूँ, पता नहीं क्या मसला लोगों के साथ। चलें उसको मैंने वहाँ ही छोड़ा, इस साइड पर थोड़ी ग्रम्बलिंग कर दी, तब तक वो भाई छह नहीं चला, चला ही जाए। ये देखें ज़रा, ये स्टार्ट में है, और स्ट्रक्चर की बननी क्या दुर्गत है, आप खुद अंदाज़ा करें। ये जी ग्रिटी गोल्ड टेक्स्चर आपके सामने पेश है, हालाँकि इसकी रिक्वेस्ट है कि आपने इसकी ना वाटर क्रम्बलिंग करनी है, डिपिंग करनी है। लेकिन इस बेचारे का रंग खराब हो गया है, जो रंग था ना वो नहीं रहा। मेरा भी तो हाल देखे ना, इनको इसको कहीं अलग रखना था, ऐसे ही रखा हुआ, नीचे से भी ड्राई हो चुका है, देखें इतनी अच्छी लग रही है ये, कैसे अच्छी लग रही है, वहाँ से टूट भी गया थोड़ा।
मुकद्दस आई थिंक उनका नाम था, कह रही थी शेप्स मेकिंग करें जब भी करें। अच्छा, मैं जब शेप्स मेकिंग करती हूँ ना, बहुत टाइम लग जाता है जब मोबाइल रख के करूँ, वैसे चलो फटाफट बन जाती है। तो इसमें ना और भी बहुत सी डस्ट आ रही है उड़ के, इसकी ना कभी से ही कह रही जगह चेंज करनी है, मगर नहीं कर रही। अब मैं सोच रही कर ही लूँ, अब तो बारिश का भी इम्कान, बारिश भी हो सकती है। चलिए जी, यहाँ मैं बैठ गई हूँ। ये मेरा येलो टेक्सचर है, आप लोगों को पता है कैसे बनाया हुआ है। मैं सोच रही थी पर जाती अपना वाइट एक्सेस मेटूंगी न्यू वाला, आती क्रम्बलिंग को लग गई। फिर मैं टप पकड़ती हूँ, इसके अंदर करती हूँ इसकी ग्रूमिंग थोड़ी सी। चलो इसमें करते हैं थोड़ी ग्रूमिंग।
अपनी पास ही पड़ा हुआ चारकोल टेक्सचर, चारकोल करी जमीन वाला टेक्सचर ही है, इसमें चारकोल मिक्स हर चीज़ मिक्स है। ये देखें,